न्यूज़ एंड नॉलेज विद जितेंद्र में आपका स्वागत है। दोस्तों, तालिबान पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। तालिबान ने भारत के साथ धोखा किया है। तालिबान ने अब अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। दोस्तों, तालिबानी आतंकवादी थे और हमेशा रहेंगे। इतिहास को कभी नहीं भूलना चाहिए। दोस्तों, तालिबान एड इंडिया से लेता है। इंडिया ने अफगानिस्तान में 50,000 टन गेहूँ दिया, वैक्सीन दी, और बदले में तालिबान ने क्या दिया? धोखा। दोस्तों, तालिबान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक बड़ा सा नक्शा बनवाया है, जिसमें उसने कश्मीर को एक अलग देश बताया है। उसने ये नक्शा एक सड़क के किनारे बहुत बड़े ग्लोब में दिखाया है, जिसको तालिबान ने 10 लाख अफगानी मुद्रा खर्च करके बनाया है। तालिबान के पास ये सब करने के लिए पैसा है, मगर आवाम पर खर्च करने के लिए नहीं है। दोस्तों, तालिबान ने भारत के पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बहुत बड़े इलाके को पाकिस्तान का हिस्सा बताया है, और साथ ही में कश्मीर को एक अलग देश बताया है। इस नक्शे में तालिबान ने आधा पाकिस्तान, तजिकिस्तान, ईरान और उज्बेकिस्तान के कई बड़े हिस्सों को अफगानिस्तान का हिस्सा बताया है। दोस्तों, इस नक्शे को खुद एक तालिबान ऑफिशियल जबीउल्लाह मुजाहिद ने ट्वीट किया है। ये वही तालिबान है जो भारत से इन्वेस्टमेंट की गुहार लगा रहा है। और इसके काम देखो दोस्तों, तालिबान को अभी तक किसी देश ने मान्यता नहीं दी है, तब तालिबान यह कर रहा है। अगर इसको मान्यता मिल जाएगी तो ये क्या करेगा? दोस्तों, तालिबान ने पिछले दिनों यह भी बोला है कि वह भारत के कश्मीरी मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाएगा। दोस्तों, अब आप ही बताइएगा, क्या हमें ऐसे तालिबान की मदद करनी चाहिए? हमारी सरकार को तालिबान की मदद करने से पहले सोचना चाहिए या नहीं? क्योंकि भारत सरकार अपने पुराने प्रोजेक्ट को अफगानिस्तान में दोबारा शुरू करने पर विचार कर रही है। क्या भारत को इतने फिर पैसे दोबारा लगाना चाहिए अफगानिस्तान में? दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।